नमस्कार दोस्तों, कार्तिक एकेडमी में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले मित्रों, शारदीय नवरात्र की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं और माता रानी आपको जल्द ही आपको सफलता प्रदान करें और आपकी सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। दोस्तों, लोगों के बीच में काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है कि प्रागैतिहासिक चित्रों से संबंधित पुस्तक व लेखक को लेकर, तो उसी क्रम में मैंने आज प्रागैतिहासिक चित्रों से संबंधित महत्वपूर्ण पुस्तक व लेखक, और इसमें एक पॉइंट और जुड़ा है जो कि प्रागैतिहासिक शिला चित्रों के महत्वपूर्ण केंद्र की बात होगी। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं प्रागैतिहासिक। प्रागैतिहासिक का मतलब क्या है? तो आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। जिन मित्रों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए, और कमेंट के माध्यम से आप लोग ज़रूर बताया करिए कि आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी। तो आइए जानते हैं सबसे पहले प्रागैतिहासिक के बारे में, फिर हम उसके चित्रों के जो लेखक हैं पुस्तकों के उसके विषय में बात करेंगे। तो सबसे पहले उसके मूल तथ्य की बात की जाए, पृष्ठभूमि की बात की जाए। तो प्रागैतिहासिक कला का अर्थ क्या है? अर्थ तो देखिए, इसका अर्थ है कि ऐतिहासिक क्या है? ऐतिहासिक काल से पूर्व की कला, से पूर्व की कला को प्रागैतिहासिक कला कहते हैं। तो बात होती है प्रागैतिहासिक कला की। तो प्रागैतिहासिक चित्रों की भारत में कहीं ना कहीं खोज हुई होगी, तो कहाँ हुई सबसे पहले? तो प्रागैतिहासिक चित्रों की सर्वप्रथम खोज भारत में सर्वप्रथम प्रागैतिहासिक काल की चित्र कला की खोज उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में कैमूर पर्वत श्रृंखला में किसने खोज किया था? तो आर्ची कार्लाइल व जान काकबर्न। तो कब किया था? ये किए थे 1880 में। कहाँ पे? जो कि मिर्जापुर क्षेत्र में कैमूर पर्वत श्रृंखला की पहाड़ियों में, जो कि आर्चिबाल कार्लाइल व जान काकबर्न ने शोध किया था। कब? 1880 में। भारतीय चित्रकला का इतिहास 7000 वर्ष
पुराना है। कितना? 7000 वर्ष पुराना है। प्रागैतिहासिक काल में हम बात करते हैं आदिकाल की। आदि काल, तो आदिकाल की जो चित्रकला है इसका समय क्या है? तो आदिकाल के चित्र कला के अगर समय की बात की जाए तो 30000 ईसा पूर्व से 5000 ईसा पूर्व तक। अगर बात की जाए कि प्राचीनतम मानवीय सभ्यता के अवशेष हमें कहाँ पे मिलता है, तो ये हमें मिला है जेरिको में। कहाँ पे? जेरिको में। वहीं भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य हमें मिलता है। भारत में सर्वप्रथम मानव का साक्ष्य हमें कहाँ से मिलता है? तो नर्मदा नदी घाटी, कहाँ पे है ये? मध्य प्रदेश के हथनौरा नामक स्थल से। हथनौर नामक स्थल से मिलता है। आइए अब हम बात करते हैं पुस्तक की, फिर उसके विषय में हम आगे थोड़ी हम लोग बात करेंगे, जैसे कि प्रागैतिहासिक चित्रकला के अध्ययन सुविधा के लेके कितने भागों में बांटा गया, ये सब आगे हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम महत्वपूर्ण पुस्तकों के विषय में बात करते हैं, प्रागैतिहासिक चित्रों से संबंधित महत्वपूर्ण पुस्तक व लेखक। तो हमारा पहला पॉइंट है भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला। तो इसको 1967 में लिखा गया है। तो किसने लिखा है? डॉक्टर जगदीश गुप्त ने। किसने लिखा है? तो डॉक्टर जगदीश गुप्त ने। दूसरा है राग पेंटिंग्स ऑफ महादेव हिल्स। क्या है? राग पेंटिंग्स ऑफ महादेव हिल्स। ये कब लिखी गई? 1936 में। तो 1936 में लिखी गई। तो ये किसने लिखा है? तो डीएच गार्डन महोदय ने। किसने? डीएच गार्डन महोदय ने लिखा है। ये दो पुस्तक है 3 और 4, इसमें लोगों को ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, तो इसीलिए मैंने इसको एक जगह रख दिया। जैसे प्री हिस्टोरिक पेंटिंग, जहाँ भी पेंटिंग की बात आएगी वहाँ पे क लगा दीजिएगा। जैसे क लगाएंगे, अगर क लगा देंगे तो बाड्रिक हो जाएगा। तो इसको 1958 में एलन हार्टिक बाड्रिक ने लिखा है, प्री हिस्टोरिक पेंटिंग को। किसने लिखा है? एलन हार्टिक बाड्रिक ने। प्री हिस्टोरिक इंडिया कब लिखी गई है? 1950 में लिखी गई। तो इंडिया अगर आ जाएगी तो समझ लीजिएगा ये पिगाट की है। अगर इंडिया लगा तो पिगाट। आप समझिए कि जैसे प्री हिस्टोरिक पेंटिंग की अगर बात करेगी तो एलन बाड्रिक को आप लोग कोशिश करिएगा, और प्री हिस्टोरिक इंडिया जो कि 1950 में लिखी गई है स्टुअर्ट पिगाट की है। किसकी? स्टुअर्ट पिगाट की। नेक्स्ट पॉइंट, पांचवा पुस्तक है आवर हेरिटेज इन आर्ट। कौन सा है? आवर हेरिटेज इन आर्ट। तो ये जो कि 1952 में लिखी जाती है। कब? 1952 में लिखी जाती है। किसके द्वारा लिखी जाती है? अर्षित कुमार हल्दर, जो कि इन्हें अजंता बाघ की इन्होंने प्रतिलिपियां भी बनाई है, अर्षित कुमार हल्दर ने।
छठा पुस्तक है हमारा इंडियन पेंटिंग। अब देखिए इंडियन पेंटिंग जो कि 1929 का है, कब का है 1929 का, तो इसे लिखा है पर्सी ब्राउन ने। इसे लिखा है पर्सी ब्राउन ने। तो एक बार इसको रिवीजन करते हैं, फिर हम लोग आगे इसके क्रम की बात करेंगे। फिर आगे जैसे हमने आपको बताया कि नेक्स्ट पॉइंट रहेगा हमारा प्रागैतिहासिक चित्रकला के अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से हम कितने भागों में से विभाजित कर सकते हैं। फिर आगे हम लोग बात करेंगे शैल चित्रों की खोज के विषय में। तो आइए एक बार रिवीजन कर लेते हैं। जैसे देखिए भारतीय प्रागैतिहासिक शिला चित्रकला 1967 में किसने, डॉक्टर जगदीश गुप्त। दूसरा है रॉक पेंटिंग्स ऑफ महादेव हिल्स 1936 में, किसने, डीएच गार्डन। तीसरा है प्री हिस्टोरिक पेंटिंग 1958 में, एलन हार्टिंग बाड्रिक ने। चौथा हमारा है प्री हिस्टोरिक इंडिया 1950, ये है स्टुअर्ट पिगेट की। फिर पांचवा है आवर हेरिटेज इन आर्ट 1952 में, लिखी गई असित कुमार हल्दर के द्वारा। छठा है इंडियन पेंटिंग जो कि 1929 में लिखी गई है, यह जो कि पर्सी ब्राउन के द्वारा लिखी गई है। तो कभी कभी क्रम पूछ लिया जाता है, तो क्रम में सबसे पहले कौन सी लिखी गई है। क्रम में अगर बात करें तो सबसे पहले इंडियन पेंटिंग, ये कब लिखी गई, 1929 में। दूसरा है रॉक पेंटिंग्स ऑफ महादेव हिल्स, रॉक पेंटिंग्स ऑफ महादेव हिल्स, ये कब लिखी गई, तो 1936 में। तीसरा है प्री हिस्टोरिक इंडिया, तो प्री हिस्टोरिक इंडिया लिखी गई है 1950 में। चौथा है आवर हेरिटेज इन आर्ट, क्या है, आवर हेरिटेज इन आर्ट, तो ये 1952 में लिखी गई है। पांचवा है प्री हिस्टोरिक पेंटिंग, तो ये 1958 में है। और अंतिम है भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला जो कि 1967 में लिखी गई है। तो आइए हम बात करते हैं, जैसे हमने बताया आपको प्रागैतिहासिक कला का अर्थ है ऐतिहासिक काल से पूर्व की कला को प्रागैतिहासिक कला कहते हैं। तो बात करते हैं प्रागैतिहासिक कला की। तो हमने आपको बताया कि अध्ययन की सुविधा के केंद्र को ध्यान में रखते हुए इसको जो कि तीन भागों में विभाजित किया गया है, कितने, तीन भागों में विभाजित किया गया है। पहला है पूर्व पाषाण काल, पहला क्या है, पूर्व पाषाण काल। दूसरा है मध्य पाषाण काल और तीसरा है नव पाषाण काल या उत्तर पाषाण काल। तो बात होती है पूर्व पाषाण काल की। तो पूर्व पाषाण काल जो कि 30,000 ईसा पूर्व से 25,000 ईसा पूर्व के बीच की मानी जाती है, कितना, 30,000 ईसा पूर्व से 25,000 ईसा पूर्व। वही मध्य पाषाण काल 25,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व के मध्य मानी जाती है। पिछली बार टीजीटी 2021 में नवपाषाण काल पूछा गया था कि नवपाषाण का काल क्या है। तो यह 10,000 ईसा पूर्व से कहीं कहीं 5,000 कहीं कहीं 3,000 ईसा पूर्व मिलता है। तो 10,000 ईसा पूर्व से जो कि आपका 5,000 या 3,000 ईसा पूर्व है। तो सबसे पहले आप मध्य पाषाण काल को समझिए। मध्य पाषाण काल, तो मध्य पाषाण काल, देखिए मध्य पाषाण काल जो कि पूर्व पाषाण काल और नव पाषाण काल के मध्य को संक्रमण काल कहते हैं, इसी को हम लोग मध्य पाषाण काल कहते हैं, इसी को मध्य पाषाण काल कहा जाता है।
मध्य पाषाण काल आप लोग समझ चुके होंगे। तो आइए बात करते हैं हम लोग पूर्व पाषाण काल की। पूर्व पाषाण काल की सबसे पहले पूर्व पाषाण काल की अगर बात की जाए तो पूर्व पाषाण युग में मानव जो कि प्रकृति निर्मित गुफाओं में रहना प्रारंभ कर दिया था और सर्वप्रथम मानव धरती पर कब आए थे और कहाँ पे आए थे इसकी बात की जाए तो प्लाइस्टोसीन काल है जिसे अत्यंत न्यूनतम युग के आरंभ में अफ्रीका माना जाता है। कहाँ पे? अफ्रीका में माना जाता है। वही सर्वप्रथम जो कि उपकरण निर्माता प्लिस्टोसीन कालीन में मानव था। पूर्व पाषाण काल का जो मानव था मित्रों वह शिकारी व खाद्य संग्राहक था। क्या था? शिकारी व खाद्य संग्राहक था। पूर्व पाषाण युग का मानव जो कि हथियार के रूप में क्वार्टजाइट पत्थर से बनाते थे और उसी का उपयोग करते थे, उसी से का ही उपयोग भी करते थे। तो बात की जाती है कि पूर्व पाषाण युग में मानव जो कि प्रमुख औजार बनाते थे एवं हथियार वो क्या क्या बनाते थे। तो जैसे हैंड एक्स मतलब हस्त कुल्हाड़ी, दूसरा था क्लीवर, तीसरा स्क्रैप ऐसे कि इस टाइप का होता था, ऐसे इस टाइप का ये चोखा चोक होती थी जिससे इसी से शिकार करते थे स्क्रैपर। और पूर्व पाषाण काल के युग में मित्रों हमें मातृ हड्डी की बनी मातृ देवी की प्रतिमा जो कि बेलन घाटी से प्राप्त होता है। कहाँ से? बेलन घाटी से हमें प्राप्त होता है। और भारत में अगर बात की जाए पूर्व पाषाण कालीन जो कि प्रस्तर या पत्थर उपकरणों की खोज की तो किसने कब और कहाँ किया था तो 1863 की बात है। कब? 1863 रॉबर्ट ब्रूस फुट ने जो कि मद्रास के निकट पल्लावरम से की थी। वही पूर्व पाषाण युग में मानव जो कि दक्षिण भारत में कहाँ पे? अंगोला, चिंगलेपुट और पल्लावरम में रहता, कुडाप्पा में रहता था। बात करते हैं मध्य पाषाण काल की। तो मध्य पाषाण को हमने अपने बताया भी आपको कि पूर्व पाषाण काल और नवपाषाण के संक्रमण काल को जो कि मध्य पाषाण कहा जाता है। इसकी जानकारी हमें सर्वप्रथम सीएल कार्लाइल ने, किसने? कार्लाइल ने। कब? 1867 में विंध्यन क्षेत्र से दी। कहाँ से? विंध्यन क्षेत्र से दी। वही मध्य पाषाण काल में सबसे बड़ा स्थल की बात की जाएगी मित्रों तो वह भीलवाड़ा जो कि कुठारी नदी के तट पर स्थित बागौरा है। और सर्वप्रथम मित्रों शवादाह धान की और दाह प्रक्रिया मध्य पाषाण काल में ही शुरू की गई थी। और मानव अस्थि पंजर जो कि मध्य पाषाण काल में हमें मिलने लगता है और इसका पहला अवशेष हमें शरायनार
महदहा में मिलता है, जो कि कहाँ पे, प्रतापगढ़ में है। कहाँ पे? प्रतापगढ़ में है, जो कि हमें पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य भी हमें मध्यपाषाण काल से ही मिलता है, जिसका समय लगभग है 5000 ईसा पूर्व। क्या है? 5000 ईसा पूर्व। यह मध्य प्रदेश में आदमगढ़ और राजस्थान के बागोर से हमें मिलता है। आइए बात करते हैं थोड़ा सा नवपाषाण काल के विषय में, फिर आगे बढ़ते हैं। तो जैसे नवपाषाण काल को हमने बताया आपको कि कहीं कहीं 5000 ईसा पूर्व माना जाता है, तो कहीं कहीं 3000 ईसा पूर्व। इसके पुरातात्विक खोज प्रारंभ करने की श्रेय की अगर बात की जाए तो यह है डॉक्टर प्राइम रोज को। किसको? प्राइम रोज को। भारतीय उपमहाद्वीप में लगभग 7000 ईसा पूर्व में नवपाषाण काल की सबसे प्राचीन बस्ती, जो कि हमें मेहरगढ़ इस समय पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में है, जो कि वहां से प्राप्त होता है। नवपाषाण काल के जो मानव थे वो पत्थर की कुल्हाड़ी हथियार का, जो कि सर्वाधिक प्रयोग करते थे। नवपाषाण काल का एक ऐसा काल है मित्रों, जिसमें मनुष्य अस्थाई निवास की प्रवृत्ति आ जाती है, और इसी समय में प्राचीन बस्तियां भी हमें मेहरगढ़ से प्राप्त होती है। और नवपाषाण काल में ही मित्रों हमें उत्तर भारत की संस्कृति के अंतर्गत हमें, जो कि गर्तावास या गड्ढागृह प्राप्त होता है। तो हमें कहाँ से प्राप्त होता है? तो हमें बुर्ज होम गुप्तकराल। तो बुर्ज होम और गुप्तकराल कहाँ है? तो यह है कश्मीर प्रांत में। कहाँ पे है? कश्मीर प्रांत में है। और भारत में जो कि प्रचुर मात्रा में हड्डी के उपकरण, जो कि चिरांग पटना के पास से मिलता है, जो कि हिरण के सिंहों का वो मिलता है, मैं हड्डी का उपकरण नवपाषाण काल में ही मित्रों हमें सर्वप्रथम कृषि की शुरुआत होती है, और पालतू कुत्ते अपने मालिक के साथ दफनाए जाते हैं, यह हमें जो कि बुर्ज होम से मिलता है। आइए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। बात करेंगे जैसे हम लोग अब प्रागैतिहासिक शिला चित्रों के महत्वपूर्ण केंद्र की, तो सबसे पहले होगा प्रागैतिहासिक केंद्र, फिर खोजकर्ता, फिर तीसरा पॉइंट है वर्ष। तो पहला, जैसे मिर्जापुर क्षेत्र की बात की जाए तो मिर्जापुर क्षेत्र में यह कैमूर पहाड़ी पे है। कहाँ? यह उत्तर प्रदेश में। इसकी खोज किए थे कार्लाइल ने। किसने? कार्लाइल ने। कब किए थे? तो 1880 में। कब? 1880 में। दूसरा पॉइंट है बेल्लारी। यह कहाँ पे है? तो कर्नाटक में। इसकी खोज की गई थी एफ फास्फेट के द्वारा। तो एफ फास्फेट ने इनकी खोज की थी 1892 में। कब? 1892 में। तीसरा पॉइंट है सिंघनपुर। क्या है? सिंघनपुर। सिंघनपुर जो कि छत्तीसगढ़ में है, इसकी खोज सी डब्ल्यू एडनसन ने किया है। तो कब किया था? 1910 में। कब? 1910 में।
वही चौथा पॉइंट है हमारा पंचमढ़ी। पंचमढ़ी हमारा मध्य प्रदेश में है और इसकी खोज का श्रेय है डीएच गार्डन को, जो कि 1936 में इसकी खोज किए थे। वहीं हम बात करते हैं भीम बेटका की। भीम बेटका भी हमारा मध्य प्रदेश में है और इसकी खोज जो कि बीएस वाकरकर ने की थी। किसके? बीएस वाकरकर ने। इसको खोज 1958 में बीएस वाकरकर ने किया था, जो कि टीजीटी 2016 में यह प्रश्न पूछा जा चुका है। वहीं छठे पॉइंट की अगर बात की जाए तो होशंगाबाद। यह कहाँ पे है? तो मध्य प्रदेश में है। इसकी खोज का श्रेय जाता है मनोरंजन घोष को। इसे मनोरंजन घोष को 1922 में। कब? 1922 में। दोस्तों आप लोग कमेंट करेंगे तो पर डे हम लोग एक गुफाओं के भी विषय में बात करेंगे। सातवां पॉइंट हमारा है बांदा। तो बांदा जो कि हमारा उत्तर प्रदेश में है, मानिकपुर क्षेत्र के अंतर्गत आता है ये मित्रों। तो ये है, इसकी खोज की है सिल्वे राड ने। कब? 1907 में। वही बात होती है आठवां नंबर, जो कि एडकल की गुफा की। तो एडकल की गुफा की खोज जो कि एफ फास्फेट ने किया था। कब किए थे? तो 1901 में। कब? 1901 में। नवा पॉइंट हमारा, ये सब प्रागैतिहासिक काल की गुफाएं हैं मित्रों, अल्टामीरा स्पेन में है। इसकी खोज किए थे मारिया सातुओला ने। इसने? मारिया सातुओला ने। कब? 1879 में। कब किए थे? तो 1879 में मारिया सातुओला ने किया था। आइए आज हम बात करते हैं नेक्स्ट, जो कि अन्य गुफाएं, विविध गुफाओं की इसी विषय में बात कर लेते हैं, जो कि गुफाओं से संबंधित जो आप लोगों के मन में डाउट है, किसने खोज किया था, खोजकर्ता कौन थे, कहाँ पर स्थित है, सन क्या है, तो एक ही वीडियो में सारी कवर को हम लोग जो कि प्रयास किए हैं कवर हो जाएगा। और आप लोग इसको स्किप करके ना देखिएगा, जिससे कि आप लोगों को स्किप करेंगे कोई अगर पॉइंट छूट गया तो आपको कन्फ्यूजन होगा। फिर बात करते हैं बाघ की गुफा की। तो बाघ की गुफा जो कि मध्य प्रदेश में है, इसकी खोज किए थे डेंजर फील्ड ने। किसने? डेंजर फील्ड ने। कब? 1818 में। कब हुआ था? तो 1818 में। दूसरा है बादामी की गुफा। तो यह कहाँ है? कर्नाटक में। इसकी खोज किए थे स्टेला क्रेमर्स ने। तो स्टेला क्रेमरिश ने कब किया था? तो 1924 में। कब? 1924 में। तीसरा पॉइंट है सित्तनवासल, जो कि तमिलनाडु में है। इसकी खोज हुई थी ग्रेवियल जेबियो द्रुबिल ने की थी। सित्तनवासल मित्रों, जो कि जैन धर्म से संबंधित गुफा है। सित्तनवासल का अर्थ ही होता है जैन धर्म के रहने का स्थान, को ही हम लोग सित्तनवासल कहते हैं। इसकी खोज हुई थी 1934 में। कब? 1934 में। चौथा पॉइंट है सिगरिया। यह बौद्ध धर्म से संबंधित गुफा है मित्रों। सिगरिया की गुफा जो कि श्रीलंका में है, आप ऐसे याद रख सकते हैं सिगरिया श्रीलंका। इसकी खोज मेजर फॉर्म्स ने की थी, जो कि 1830 में। अंतिम गुफा है हमारा लास्को की गुफा। तो लास्को की गुफा मित्रों, यह है, खोज किए थे मार्सल रिबिडेट ने। किसने? मार्सल रिबिडेट ने। कब? 1940 में। तो दोस्तों जितनी भी गुफाएं थी सबको एक जगह मैंने कलेक्ट करके उनके खोजकर्ता, खोज और गुफा और सन कहाँ पे है एक जगह एकत्रित करके एक ही क्लास में
पढ़ाने का प्रयास किया। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी है, वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट के माध्यम से बताइए और वीडियो को लाइक करिए। जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन घंटी को दबाना ना भूलिएगा जिससे आने वाले अगले वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।